नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और एपीएमसी के चार कोल्ड स्टोरेज पर छापेमारी हुई। जी हाँ, प्रत्यक्ष विस्फोट की आड़ में मुंबई में प्रवेश करने वाले अफगान और ईरानी व्यापारियों ने माफको क्षेत्र में एपीएमसी को कोल्ड स्टोरेज से बाहर ढकेल कर आपसी व्यापार शुरू कर दिया। इसी घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए एपीएमसी प्रशासन ने विस्फोट निदेशक की अनुमति से माफको क्षेत्र में चार कोल्ड स्टोरेज में छापेमारी की। शाम 7 बजे के बाद एपीएमसी की बिजनेस टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। इस अवैध कारोबार में रोज़ाना का कारोबार 20 करोड़ रुपए तक का है। अफगान और ईरानी व्यापारियों की हर मुक्त कारोबार सालाना लगभग 300 करोड़ रुपए है। बिजनेस टीम ने यूपी कोल्ड स्टोरेज, प्रभु हीरा कोल्ड स्टोरेज, क्रिसेंट कोल्ड स्टोरेज और जीएचके कोल्ड स्टोरेज नाम के चार कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा। इस समय चल रहे कारोबार को देख एपीएमसी के अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे एपीएमसी के अध्यक्ष की क्या कहना है। कोल्ड स्टोरेज का वापर माल साठवण्यासाठी करायला पाहिजे, पण त्या ठिकाणी परदेशातील परप्रांतीय बरेच अवैध व्यापार करत होते, म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही धाडी टाकून ते व्यापार बंद केलेला आहे। आणि त्यांचे कोल्ड स्टोरेजचे परवाने रद्द करण्यासाठी पणन संचालकाकडे मागणी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे।